हेलो स्टूडेंट्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। कल हमने आईपीएससी नॉमिनेशन से थोड़ा स्टार्ट किया था बेसिक्स, कि हमने इथ मिथ किसके लिए क्या यूज़ करते हैं। आज हम उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे कि हमारे पास बेसिकली रूल्स क्या हैं आईयूपीएससी के, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास क्या क्या रूल्स हैं इनको समझते हैं पहले। हमारे पास तो सबसे सिंपल और फर्स्ट रूल है आपके पास, हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है। पहला रूल हमारे पास क्या है, सबसे लंबी जो कार्बन चेन है उसको हमें सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमें नंबरिंग स्टार्ट करनी है। नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास जो सब्सिट्यूएंट्स बच गए, किसको बोलते हैं, उस मेन चेन के अलावा जो भी कार्बन बच गए उनको हम क्या बोलेंगे, सब्सिट्यूएंट्स। उनको हमारे पास क्या मिले, कम से कम नंबर मिले, लेस नंबर हमारे पास मिले। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने वाले हैं आज, आप इजिली समझ जाएंगे इन चीज़ों को। अब यहाँ मुझे एक चीज़ सीखनी पड़ेगी, उसके लिए पहले वो समझिए क्या है हमारे पास। आपको ये पता है CH4 लिख दिया मैंने, इसका कल का नाम क्या आया था, मिथेन। मिथेन क्यों आया, एक कार्बन मिथ, सारे बॉन्ड सिंगल एन। मैंने इसमें से मान लो क्या कर दिया, एक एच कम कर दिया, ये कुछ बन जाएगा CH3। ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड तुम्हारे पास, चार। यहाँ बॉन्ड कितने हैं, तीन। तो हमें एक बॉन्ड ऐसे शो करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। क्लियर है बात, मैं इनका बहुत यूज करना पड़ेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल बोलते हैं। ऐसे ही मतलब जनरल फार्मूला हमारे पास इसका क्या आया था, CnH2n+2 आया था। इसमें हमने क्या किया, एक एच कम किया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसका फार्मूला हमारे पास जनरल फार्मूला क्या आएगा, CnH2n+1। क्लियर है बात, मिथाइल। मैंने यहाँ एन की 2 रख दी, क्या बनेगा देखो, C2H कितने हो जाएंगे, 5। इसको हम क्या बोल देंगे, इथाइल। तो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल हमारे पास ऐसे ही चलते जाएंगे। अब हमारे पास हमने सिंपल रूल, बस आपको दो ही रूल ध्यान रखने अभी तक, कि सबसे लंबी चेन लेनी है, उसके अलावा जो बच जाए उनको हम क्या बोलते हैं, सब्सिक्वेंट्स। तो हमारे पास नंबरिंग हम इस हिसाब से करेंगे, उसको क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। अब देखो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आप समझ जाओगे अपने आप कैसे क्या दिक्कत आएगी। पहला काम, सिंपल चेन दे रखी है, पहला काम आप सीखो पहले हमारे पास एच बैलेंस कैसे करते हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड बना हुआ है, कितने एच आएंगे, तीन। यहाँ पे एक दो तीन, तो एक एच आएगा, यहाँ तीन और यहाँ तीन। क्लियर है बात, आसान है। अब देखो सबसे लंबी चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन हमारे पास सेलेक्ट करनी है। मैंने ये चेन सेलेक्ट कर ली, 1 2 3। अब ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, सब्सिट्यूएंट, जो हमारे पास चेन में नहीं आ पाया, तो इसको हम नंबरिंग इस हिसाब से करेंगे, इसको क्या मिले, कम से कम नंबर, 1 2 3। चाहे ऐसे कर लो, 1 2 3 बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्या कर दिया, सिंपली इसको इसी हिसाब से नेमिंग कर दी। तो हमारे पास दो पे क्या लगा हुआ है, सेकंड पोजीशन क्या लगा हुआ है, CH3। इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल। तुम्हारे पास नाम क्या आएगा इसका, 2 मिथाइल 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है, तीन, एक दो तीन ना, तीन के लिए क्या लिख देंगे, प्रोप, और सारे बॉन्ड सिंगल, तो क्या आ गया, ये है सिंपल तरीका। नेक्स्ट देखो, बिल्कुल सिंपल है, 3H, एक दो तीन, एक एक तीन तीन तीन, कर लोगे तुम्हारे पास नंबरिंग, 1 2 3 4, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी कर लो बराबर है, 1 2 3 4। तो दो पे लगा हुआ है, तीन पे लगा हुआ, तुम्हारे पास क्या आ गया, सेम चीज़ लगी, तुम दोनों को एक साथ लिख देंगे, 2 3 डाइमिथाइल, 2 3 डाइमिथाइल। और कितने कार्बन है, चार, के लिए क्या लिखोगे आप, सिंपली इसको ब्यूटेन। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट देखो हमारे पास CH3 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 एंड CH3, बाकी हमारे पास बीच वाले कार्बन के चार बॉन्ड पूरे हैं। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन, चाहे ये ले लो चाहे आप लंबी वाले ले लो, हमारे पास ये तीनों हमारे पास सेम ही आएंगे। तो नंबरिंग कैसे करोगे, वही 1 2 3, दो पे क्या लगे हुए हैं, एक मिथाइल दो मिथाइल, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 2, दो पे दो बार लगा हुआ है, तो क्या आ गया, 2 2 डाई मिथाइल। और कितने कार्बन, 1 2 3, क्या लिखेंगे, सिंपली प्रोपेन। ऐसे क्वेश्चंस करने हैं आपको, बिल्कुल सिंपल सिंपल है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, CH3 CH CH CH3। अब देखो अभी तक हम सिंपल स्ट्रेट चेन लेते आए हैं, एक दो तीन चार, चार कार्बन किया है, एक देखो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, 2 3 4 5, पांच की बन रही है। तो हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आएगी, पांच कार्बन की आएगी। अब यहाँ से हमारे पास प्रिवेशन स्टार्ट होंगी, हमारे पास चेन तो आएगी ये वाली। क्लियर है बात, चेन हमारे पास ये आ गई। अब मेरे पास क्वेश्चन आता है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ। देखो अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की, तो यहाँ पे दो कार्बन है,
एक दो यहीं आ जाएगा, थर्ड थर्ड पे कुछ लगा हुआ है, फोर्थ पे, इनको आप ऐसे लिख लिया करो साइड हमारे पास। अगर मैंने यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट की होती तो कहाँ पे आता, थ्री पे और फोर पे, थ्री पे और फोर पे आता, ठीक है। तो मैं यहाँ स्टार्ट करूँ कहाँ पे आएगा, वन टू पे आएगा और थ्री पे, तो टू और थ्री, एक नंबर है 34, एक नंबर 23, छोटा कौन सा है ये, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको नहीं करेंगे। तुम्हारे पास नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे इसकी, यहाँ से, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, फिर इनको ढंग से समझना। हमारे पास अब हमारे पास देखो कहाँ पे क्या लगा हुआ है, दो पे मिथाइल है और तीन पे है, दो पे मिथाइल और तीन पे, क्या लिख देंगे सिंपली, टू थ्री डाई मिथाइल, और कितने कार्बन हमारे पास, पाँच, पाँच के लिए आ जाएगा पेंटे, सिंपल, क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो हमारे पास वन टू थ्री फोर फाइव, ये इसी में तो है, सात लगा हुआ है, तो हम क्या आएगी, छह कार्बन की चेन आएगी हमारे पास। ये कन्फ्यूज करने के लिए लगाओ हमारे पास, इसको मैं सीधा भी लगा सकता हूँ, कहीं लगा दो आप, हमारे पास क्या है, छह कार्बन की चेन आएगी, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हमारे पास, सिंपल है। अब हमारे पास नंबरिंग कहाँ से करोगे, ऑब्वियसली बात है यहीं से करोगे, वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स, एच पूरे कर लेने की कोई दिक्कत नहीं हमारे पास, यहाँ पे सी एस थ्री है, क्या बोलेंगे मिथाइल, तो क्या हो गया, टू मिथाइल हेक्सेन, क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो हमारे पास, नेक्स्ट बिल्कुल सिंपल है, एच पूरे आप कर लोगे अपने आप, स्ट्रेट चेन हमारे पास आ गई, एच पूरे कर लोगे, नंबरिंग कहीं से कर लो, तीनों बीच में लगे हैं, तो वन टू थ्री फोर फाइव, तुम्हारे पास दो पे लगाओ, तीन पे लगाओ, चार पे लगाओ, क्या हो गया, टू थ्री फोर ट्राई मिथाइल पेंटेन, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एन टी सी में आया भी वाई क्वेश्चन हमारे पास, क्या है इसमें, सिंपल सा आपको दिख रहा है, एक दो तीन चार, चार की चेन आएगी, एक दो तीन चार पाँच, ऐसे पाँच की आएगी, ऐसे देखो दो तीन चार पाँच छः, ऐसे छः की तुम्हारे पास, हम मेन चेन कौन सी लेंगे, ये आएगी, दिस इज द मेन चेन। नंबरिंग अब चाहे आप कैसे कर लो, दो तीन चार, तुम्हारे पास तीन पे मिथाइल आएगा और चार पे, तो हम क्या लिखेंगे इसको, थ्री फोर डाई मिथाइल हेक्सेन, क्लियर है। लास्ट देखिए हमारे पास दिख रहा है आपको साफ, हमारे पास एक दो तीन चार पाँच, ऐसे पाँच की आएगी, अगर मैं यहाँ से कर देखो स्टार्ट, तीन तो मेरे पास इसी में आ गए, तीन चार पाँच छः, ऐसे छः की हमारे पास, तो इसको हम चेन लेंगे मेन, हमारे पास तीन चार, चार पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ग्रुप लगा हुआ है, या इसको आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो हमारे पास, जैसे आपको बेटर लगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखो हमारे पास नंबर क्या मिलेगा, चार मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो हम क्या करेंगे इधर से स्टार्ट, तो थ्री पे क्या आ गया, दो कार्बन की चेन, दो में क्या लगाओगे आप, सी एच टू और सी एच थ्री, क्या हो गया, सी टू एच फाइव, तो हो गया हमारे पास, तो क्या आएगा सिंपली, थ्री पे क्या आ गया, मिथाइल, और हमारे पास छः है, तो क्या बोलेंगे इसको, हेक्सेन। कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए हैं आपको, इनको प्रैक्टिस कर देखना, कुछ नहीं आए हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। टिल टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे होम, बाय।